जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जो ये डिस्कस करने वाले हैं आज है वोकैबुलरी असाइनमेंट फर्स्ट। और फर्स्ट असाइनमेंट में हम डिस्कस करेंगे आज सिनोनिम्स, ठीक है। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरे अंकुर सारस्वत इंग्लिश क्लासेज। एक चैनल तो ये है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। आपको सारी पीडीएफ्स जो हम कराएंगे ग्रामर और वोकैब की यहाँ से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। ये जो पीडीएफ हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो सारे के सारे इंग्लिश के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरा चैनल है टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वोकेबलरी असाइनमेंट फर्स्ट है। इससे पहले मैं एक पीडीएफ आपको और प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसमें क्या होगा, पीडीएफ फर्स्ट जो होगी उसमें हमने वर्ड्स के हिंदी वर्ड मीनिंग लिख के दिए हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम है A to Z, ए से लेकर जेड तक जो मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको टाइप कराकर उसमें सेंड कर दिए टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से आप डाउनलोड कर लो और उन्हें रिवाइज करना, उसके बाद ये प्रैक्टिस देखना, ठीक है। और प्रैक्टिस देखोगे ये बड़ी ही हेल्पफुल होगी। और जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। हालांकि आपके एग्जाम में ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ही आएंगे, लेकिन मैंने एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा दिया है जिससे कि हम चीज़ों को और आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। तो पहला वर्ड आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये है आपका कैजुअल। कैजुअल का मतलब होता है खुशामद करना, या फिर मैं इसका एक और अर्थ बताऊँ तुम्हें, इसका मतलब होता है चापलूसी करना। इसका एक और मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। अब देखो इसका एक सिनोनिम मैं और बता रहा हूँ, वो आप साथ ही साथ नोट करते चलना, ठीक है। एक इसका सिनोनिम होता है ब्लैंडिश। इसका एक सिनोनिम क्या हो गया, ब्लैंडिश। अब ये देखो इसमें से चार पांच ऑप्शन है, इनमें से हमें जो इसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन आंसर है वो हमें टिक करना है। तो मैं इसके अगर आंसर की बात करूं तो कॉक्स का मतलब भी यही है, खुशामद करना या चापलूसी करना, खुशामद करना या फिर चापलूसी करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो रिमेनिंग वर्ड्स रह गए हैं इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्कॉर्न, स्कॉर्न का मतलब होता है घृणा करना। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, घृणा करना, ठीक है। अब देखो ये हमने स्कॉर्न का मतलब लिख लिया, घृणा करना। अब इसके देखो दो सिनोनिम मैं और बताता हूँ। एक होता है डेस्पाइट, इसका एक सिनोनिम होता है डेस्पाइट, हेट हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, डिटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 हमने इसके सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए। अब देखो सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। सेंसिटिव का क्या मतलब होता है, संवेदनशील। अगर इसकी बात करी जाए तो इसका मतलब हो गया संवेदनशील। अलाव का मतलब होता है अनुमति देना, अलाव का मतलब होता है अनुमति देना। अगर इसके सिनोनिम की मैं बात करूं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा परमिट। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, परमिट। अगर मैं बात करूं प्रिकेरियस, प्रिकेरियस का मतलब होता है खतरनाक। इसका मतलब क्या होता है, खतरनाक। अब देखो प्रिकेरियस का मैं एक और सिनोनिम आपको बता देता हूं, हैजार्डस। एक इसका सिनोनिम क्या हो गया, हैजार्डस, या मैं इसको एक और कह सकता हूं जियोपार्डी। इसका मतलब भी खतरा होता है, ठीक है। हालांकि ये एक नाउन है, ये दोनों एडजेक्टिव है, आप इसको याद भी रख सकते हो, इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इसमें दिया है कार्प। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में हमें इसमें दिया है फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली, फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली। ऑप्शन बी इसमें दे रखा है शार्पन। ऑप्शन सी इसमें दे रखा है शाय। ऑप्शन डी इसमें दे रखा है रेंज। और ऑप्शन ई इसमें दे रखा है
मोनोटोनी। ठीक है, अब देखो इनको डिस्कस करते हैं। अगर मैं कार्प की बात करूं तो कार्प का मतलब होता है दूसरों में कमी निकालना। कार्प का क्या मतलब होता है? दूसरों में कमी निकालना, दूसरों में कमी निकालना। अब देखो इसके सिनोनिम्स की बात करी जाए तो इसका सिनोनिम ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइंड फॉल्ट अनरीजनेबली। ये भी हमारा इसी का मतलब होता है, दूसरों में कमी निकालना। अब देखो शार्पन, अगर मैं इस वर्ड की बात करूँ तो ये वर्ड बना है शार्प से। किससे बना है? शार्प से। ये दरअसल एक एडजेक्टिव है। अगर मैं किसी भी वर्ड के पीछे ई एन जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ? अगर मैं सफिक्स ई एन जोड़ दूँ तो वो बन जाती है एडजेक्टिव से, बन जाएगी ये वर्ब। क्या बन जाएगी? वर्ब। शार्प का मतलब होता है तेज। ठीक है, तो अब शार्पन, जैसे देखो मैं एक और वर्ड बताता हूँ आपको, SHORT। ये वर्ड सुना होगा, ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट का मतलब छोटा। अगर मैं इसमें ई एन और जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ? ई एन, तो ये बन जाएगी वर्ब शार्पन, शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब होगा छोटा करना। बात आई को समझ में? ऐसे ही देखो ये शार्प था, शार्प से हमने वर्ड बना दिया शार्पन। शार्प का मतलब होता है तेज। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? तेज करना। ठीक है, इस वर्ड को भी आप याद रखोगे। तो अगला वर्ड हमने देखा शार्पन, शार्पन का मतलब क्या होता है? तेज करना। यहां मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, शाय, शाय का मतलब होता है शर्मीला। शाय का मतलब क्या होता है? शर्मीला। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं शेमफुल। इसको हम क्या कह सकते हैं? शेमफुल। रेंज, रेंज का मतलब होता है सीमाएं। रेंज का मतलब क्या होता है? सीमाएं। मोनोटोनी, मोनोटोनी का मतलब होता है उबाऊपन। आपने इसका एक सिमिलर वर्ड सुना होगा मोनोटोनस, ये उसी से वर्ड बना है। ये एक नाउन है उबाऊपन, और वो एक एडजेक्टिव है। मोनोटोनी नाउन है, मोनोटोनस उसका मतलब क्या होता है? नीरस। ठीक है, तो ये वर्ड हमने डिस्कस कर लिए, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। थर्ड वर्ड इसमें दे रखा है, वेरी रिलेटेड। ऑप्शन ए इसमें है हैविंग डिफरेंट कलर्स। ऑप्शन ए दिया है इसमें हैविंग डिफरेंट कलर्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें दे रखा है जीलस। ऑप्शन सी इसमें दे रखा है रिप्रूव। ऑप्शन डी इसमें दे रखा है सिविलिटी। और ऑप्शन ई इसमें दे रखा है डूबियस। अब देखो वेरिएजेटेड की मैं अगर बात करूं तो इसका मतलब होता है रंग बिरंगा। वेरिएजेटेड का मतलब होता है रंग बिरंगा। ठीक है, अब इसके अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं इस पांच ऑप्शन में से, तो ऑप्शन ए हमारा एप्रोप्रिएट लग जाएगा, हैविंग डिफरेंट कलर्स, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब देखते हैं ये जो नेक्स्ट रिमेनिंग वर्ड है जीलस। जीलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। जीलस का मतलब क्या होता है? ईर्ष्यालु। इसका एक अगर मैं सिनोनिम बताने की कोशिश करूं तो एनवियस। रिप्रूव का मतलब है डांटना या फटकारना, इसका लग जाएगा स्कोल्ड, या हम क्या कह सकते हैं? चाइड। इसका एक सिनोनिम क्या हो जाएगा? चाइड। सिविलिटी का मतलब होता है विनम्रता। सिविलिटी का क्या मतलब होता है? विनम्रता। इसको हम क्या कह सकते हैं? हम्बलनेस, या फिर हम कह सकते हैं पोलाइटनेस। ठीक है, अब देखो ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है अनिश्चित, या मैं क्या कह सकता हूँ? अस्पष्ट। डूबियस का मतलब होता है अनिश्चित या अस्पष्ट। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो एक तो वही हो जाएगा अनसर्टेन, अनक्लियर,
या फिर हो जाएगा इक्वी वोकल, इक्वी वोकल, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ तो देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ में दिया है हमें हॉस्टाइल, फोर्थ में हमें दिया है हॉस्टाइल। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एग्रेसिव, नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है इसमें टायरो, ऑप्शन नेक्स्ट इसमें दिया है वेरुलेंस, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमें दिया है सोर्स, और नेक्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में हमें दिया है क्लैंडेस्टाइन। ये तो चल ही नहीं रहा यहाँ, मैं इसको इधर लिख देता हूँ ई ऑप्शन। क्लैंडेस्टाइन, ठीक है। अब देखो इसमें हॉस्टाइल की अगर मैं बात करूँ, हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी, इसका मतलब क्या होता है, विरोधी या शत्रु। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एनिमी कह सकते हैं, फो कह सकते हैं, ओपोनेंट कह सकते हैं। ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अब देखो इसमें हम बात करते हैं एग्रेसिव की, ठीक है, एग्रेसिव की। एग्रेसिव का मतलब होता है विरोधी या शत्रु, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। ठीक है, टायरो का मतलब होता है अनुभवहीन, अनुभवहीन, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड है, हम इसको कह सकते हैं इन एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया है विरुलेंस का मतलब होता है क्रोध, विरुलेंस का मतलब क्या होता है, क्रोध या फिर प्रचंडता। ठीक है, सोर्स का मतलब आप जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है स्रोत, इसका मतलब क्या होता है, स्रोत। अब देखो ये वर्ड रह गया, क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त एवं गैर कानूनी, इसका मतलब क्या हो गया, गुप्त एवं गैर कानूनी। ठीक है, आप इन्हें एक बार रिवाइज करो, फिर देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, फिफ्थ। फिफ्थ हमें दिया है ग्रीन हॉर्न। अगर मैं इसके ऑप्शंस की बात करूं तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें टाई, सेकंड ऑप्शन है इन एक्सपीरियंस्ड, सी ऑप्शन है इसमें दिया है एक्सपेक्ट, डी ऑप्शन है इसमें दे रखा है हमें प्रूड, और लास्ट ऑप्शन हमें दे रखा है सरप्लस। ठीक है, ग्रीन हॉर्न, इसके ऑप्शंस में एक बार और बोल देता हूँ, टाई, इनएक्सपीरियंस्ड, एक्सपेक्ट, प्रूड, सरप्लस। ठीक है, ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है अनुभवहीन, इसका मतलब क्या होता है, अनुभवहीन। अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूँ तो बी ऑप्शन इसका सिनोनिम लग जाएगा, इनएक्सपीरियंस्ड। अब देखते हैं ये जो रिमेनिंग वर्ड है टाई, टाई का मतलब होता है बांधना, टाई वगैरह बांधते हैं ना, इसका मतलब होता है बांधना, ये दरअसल एक वर्ब है। ठीक है, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब है आशा करना। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, होप। प्रूड, अगला वर्ड क्या है, प्रूड, इसको मतलब हम कह सकते हैं कपटी, इसको हम क्या कह सकते हैं, कपटी। सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है अधिकता, एक्सेसिव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सिक्स, सिक्स में कह रहा है हमें जनरस, ऑप्शन ए हमें इसमें दिया है एमिकेबल, बी ऑप्शन हमें दे रखा है इसमें ह्यूमिलिएशन, सी ऑप्शन हमें दे रखा है इसमें वल्नरेबल,
डी ऑप्शन हमें दिया है कवरेज, और ई ऑप्शन हमें दिया है इसमें कॉन्टेंशियस। देखो अब इनको हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं जनरस की बात करूं तो इसका मतलब होता है उदार या परोपकारी, उदार या परोपकारी। अगर इसके मैं सिनोनिम की बात करूं, एक तो सिनोनिम हो जाएगा इसका मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस। एक इसका सिनोनिम हो जाएगा बिनिवोलेंट, ठीक है। बिनिवोलेंट का मतलब भी उदार या परोपकारी। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली यानी मित्रवत। इसका मतलब क्या होता है? मित्रवत। इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंडली, ठीक है। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमान। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है? अपमान, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वनरेबल। इसका मतलब होता है कमजोर या असुरक्षित। इसको हम क्या कह सकते हैं? कमजोर या असुरक्षित, ठीक है। कवरेज, अब आपने ये वर्ड पढ़ा होगा लाइव कवरेज। ये जब हम मैच वगैरह देखते हैं तो ये वर्ड बहुत बार आता है, लाइव कवरेज चल रही है, तो इसका मतलब होता है प्रसारण, टेलीकास्ट इसको हम कह सकते हैं। कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़ालू, इसको हम क्या कह सकते हैं? झगड़ालू। इसके अगर सिनोनिम की मैं बात करूं तो इसका सिनोनिम होता है एक बड़ा ही कॉमन, बिलीजरेंट, BILIGERENT, ब्लीजरेंट। इसको याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इसमें डिलीजेंट। ऑप्शन ए इसमें दिया है ओवरफ्लोइंग। नेक्स्ट वर्ड इसमें हमें दिया है इंडस्ट्रियस। नेक्स्ट वर्ड हमें इसमें दिया है डैमेजिंग। नेक्स्ट वर्ड हमें इसमें दिया है ओवरसी। और लास्ट वर्ड इसमें ई ऑप्शन में हमें दिया है डॉगमेटिक। अब देखो इसमें डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी या मेहनती, परिश्रमी या मेहनती, ठीक है। इसके अगर मैं सिनोनिम की बात करूं, एक तो हो जाएगा हार्ड वर्किंग, एक हो जाएगा इसका एसीड्यूअस। तो ये आपको एसीड्यूअस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग का मतलब है बाहर निकलना, बह जाना, ठीक है। इंडस्ट्रियस, अब देखो ये इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है? मेहनती या परिश्रमी। तो ये ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सेवंथ का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। डैमेजिंग, डैमेजिंग का मतलब है क्षति होना। ओवरसी, ओवरसी का मतलब है निरीक्षण करना। इसका सिनोनिम एग्जामिन कर सकते हैं हम, ठीक है। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब होता है रूढ़िवादी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एट्थ। एट्थवा है हमारा अपफ्रंट। अगला वर्ड है अपफ्रंट। ऑप्शन ए इसमें हमें दिया है एक्सेल। बी ऑप्शन हमें दे रखा है इसमें कॉन्टर। ऑप्शन सी हमें इसमें दिया है इरप्शन। ऑप्शन डी हमें इसमें दे रखा है इंडिग्निटी। और ऑप्शन ई हमें इसमें दे रखा है
मॉन्स्ट्रस। ठीक है, अब देखो, अफ्रंट, एग्जाइल, कॉन्टोर, इरप्शन, इंडिग्निटी, मॉन्स्ट्रस। अब वन बाई वन हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अफ्रंट का मतलब होता है अपमान। ठीक है, पीछे मैं इसका एक सिनोनिम आपको लिखा के आया हूँ, ह्यूमिलिएशन हो जाएगा इसका एक सिनोनिम, ह्यूमिलिएशन। एग्जाइल, एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला कर देना। ठीक है, एग्जाइल का मतलब क्या है, देश निकाला। ठीक है, कॉन्टोर, कॉन्टोर का मतलब होता है रूप रेखा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूप रेखा। इरप्शन का मतलब होता है विस्फोट। इंडिग्निटी, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अफ्रंट का मतलब भी अपमान, ह्यूमिलिएशन हो गया। तो इंडिग्निटी, दरअसल ये वर्ड एक नाउन है, यहाँ से पता चलिए, ये भी नाउन और ऐसे ये भी नाउन। ठीक है, अच्छा लास्ट ऑप्शन रह गया हमारा मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है भयानक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भयानक। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रिवाइज करिए। देखो नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेट। नेट का मतलब क्या होता है, जाल। नेट का मतलब होता है जाल। अब देखते हैं इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी मैस। मैस का मतलब भी क्या होता है, जाल। ठीक है, अब देखते हैं रिमेनिंग वर्ड। सबसे फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। ठीक है, वरीनेस इसको हम कह सकते हैं। फ्रैंकनेस का मतलब होता है स्पष्टता, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा क्लैरिटी। ये एक नाउन है, एनी डबल एस जिस वर्ड के पीछे होता है वो एक नाउन होती है, और टी वाई जिसके पीछे होता है, जैसे एक वर्ड हमने बनाया ऑनेस्ट, ये एक एडजेक्टिव है, इसकी नाउन क्या हो जाएगी, ऑनेस्टी। तो ये वर्ड्स की आपको पहचान होनी चाहिए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है इसमें फ्रेंकनेस का मतलब हो गया स्पष्टता, सिनोनिम हो जाएगा क्लैरिटी। नेक्स्ट वर्ड है इसमें डिट्रैक्शन। डिट्रैक्शन का मतलब होता है आलोचना। ठीक है, फ्रूगैलिटी, फ्रूगैलिटी का मतलब होता है कंजूसी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने नाइन्थ वर्ड भी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं टेंथ, ऑगरी। ऑगरी का मतलब होता है शगुन, या मैं इसको कह सकता हूँ भविष्य सूचक, इसको हम क्या कह सकते हैं, भविष्य सूचक। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऑप्शंस। इसके अगर मैं ऑप्शन में आंसर की बात करूँ तो ओमन, ओमन का मतलब भी यही होता है, शगुन या भविष्य सूचक, भविष्य सूचक, ये इसका क्या लग जाएगा, सिनोनिम। नेक्स्ट, अब देखो इसमें और जो रिमेनिंग वर्ड्स रह गए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कैंडर, कैंडर का मतलब होता है स्पष्टता। देखो इसका एक पीछे यहाँ मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है, ये फ्रैंकनेस, क्लैरिटी, तो हम यहाँ ये नहीं लिख देते हैं ताकि हमें ये जल्दी से लर्न हो जाए, फ्रैंकनेस, क्लैरिटी, ये इसके क्या हुए, दो सिनोनिम। ठीक है, इमोशन को आप जानते ही होंगे, इसका मतलब होता है भावना, फीलिंग्स। ठीक है, वोकेशन, वोकेशन का मतलब होता है व्यवसाय, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, ऑक्यूपेशन। ठीक है, इनिमिकल, इनिमिकल का मतलब होता है विरोधी या हानिकारक, विरोधी या हानिकारक। अब देखो इसके मैं अगर सिनोनिम की बात करूं हानिकारक के, मतलब इसके अकॉर्डिंग इनिमिकल के, तो इसका पहला सिनोनिम हो जाएगा हार्मफुल, एक इसका सिनोनिम हो जाएगा इंजूरियस, तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे हार्मफुल एंड इंजूरियस। ठीक है, तो आज हमने ये 10 वर्ड्स आपके सामने डिस्कस किए हैं, अगले जो रिमेनिंग 15 वर्ड्स हैं, ठीक है ना, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट में डिस्कस करा दूंगा। अगली भी हम वीडियो सिनोनिम्स की ही लेकर आएंगे, जो इसमें सीट में 15 वर्ड्स रह गए हैं, और उससे अगली वीडियो जो होगी वो हमारी एंटोनिम्स की होगी।
मैंने पीडीएफ के लिए आपको बता ही दिया है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अंकुर सारस्वत इंग्लिश क्लासेस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।